तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का सी ड्राइव फुल हो गया है, मीन्स कुछ इस टाइप का रेड हो गया है और बिल्कुल भी फ्री स्पेस नहीं बचा है, तो कैसे आप अपने सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हो। अगर आपका सी ड्राइव फुल हो जाता है तो आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, आपका डिवाइस भी बहुत स्लो हो जाता है, वो हैंग करने लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हो और उसमें फ्री स्पेस बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड के बटन में से विंडोज़ और आर का बटन एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका रन कमांड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सर्च करना है टेम्प और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके डिवाइस में अवेलेबल टेम्पररी फाइल आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सिंपली डिलीट कर देना है और जो फाइल डिलीट नहीं होता है उसे आपको स्किप कर देना है। उसके बाद फिर से आपको विंडोज़ प्लस आर बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में से। फिर से आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। इस बार आपको टाइप करना है परसेंट टेम्प परसेंट और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। बहुत सारे टेम्पररी फाइल्स और फोल्डर दिख जाएंगे, तो सिंपली आपको कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके डिलीट पे जाके डिलीट कर देना है। देख सकते हो कितने फाइल्स हैं और उनका साइज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो फाइल डिलीट नहीं होता है उसे आपको स्किप कर देना है। उसके बाद फिर से आपको कीबोर्ड के बटन में से विंडोज़ और आर प्रेस करना है। फिर से आपका रन कमांड ओपन होगा। इस बार आपको टाइप करना है प्रीफेच। प्रीफेच टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे फोल्डर को ओपन करने के लिए परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करके परमिशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से सारे फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है कीबोर्ड के बटन में से प्रेस करके कंट्रोल ए, और फिर से यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। फिर से जो फाइल आपका डिलीट नहीं होता है आपको स्किप कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो भी टेम्पररी फाइल मैंने अभी तक डिलीट किया है अपने सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए, वो परमानेंटली अभी मेरे डिवाइस से रिमूव नहीं हुआ है। तो जो भी फाइल और फोल्डर आप डिलीट करते हो वो आपके रिसाइकिल बिन में रहता है। यहाँ पे आपको अपना रिसाइकिल बिन ओपन करके इन फाइल्स को अपने रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देना है। तो दोस्तों, आपको रिसाइकिल बिन में से भी सारे डेटा को डिलीट कर देना है। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने डिवाइस में से फाइल को डिलीट करते हैं लेकिन उसे रिसाइकिल बिन से डिलीट करना भूल जाते हैं। तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका रिसाइकिल बिन क्लीन है, क्योंकि अगर आपके रिसाइकिल बिन में फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं तो वो एक्चुअली आपके सी ड्राइव को ऑक्यूपाई करता है और इस तरह से आपका सी ड्राइव फुल रहता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग अपने सी ड्राइव को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सर्च में जाना है अपने विंडोज़ के, और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टोरेज। तो यहाँ पर आपको स्टोरेज का सिस्टम सेटिंग दिखेगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक स्टोरेज सेंस का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रिड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेम्पररी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। तो यहाँ पे आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो भी आपके डिवाइस में टेम्पररी फाइल्स और रिसाइकल बिन में कोई भी फाइल होगा उसे आपका ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज सेंस को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप मैन्युअली टेम्पररी फाइल्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे है टेम्पररी फाइल्स का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए सिंपली इस पर सेलेक्ट कर लेना है। और आप पिछले कितने दिन के टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करना चाहते हो यहाँ पर आप डे सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आप 30 दिन के टेम्पररी फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 30 दिन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डाउनलोडेड फोल्डर्स में से भी फाइल्स को डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको डे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। मान लो आप 30 दिन तक के पुराने डाउनलोडेड फाइल्स को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद बॉटम में यहाँ पे आपको डिलीट प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडो का भी ऑप्शन आता है, तो वो भी आप डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो।
और उसके बाद आप यहाँ पे मैन्युअली भी क्लीन कर सकते हो क्लीन नाउ पे क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लोकल डिस्क सी ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सी ड्राइव में 199 GB अवेलेबल है टोटल, जिसमें से मैंने 132 GB यूज़ कर लिया है और 66 GB मेरा फ्री है। तो 199 GB में से मैक्सिमम जो मेरा स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो मेरे ऐप्स ने किया है। तो यहाँ पे आपको ऐप्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपके डिवाइस में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाता है। तो मोस्टली मेरा स्पेस जो है ऐप्स ही ऑक्यूपाई करता है और मेरे सी ड्राइव को फुल करके रखता है। तो यहाँ पे आपको अपने डिवाइस में अवेलेबल ऐप्स को फिल्टर करने का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे सॉर्ट बाय साइज पे क्लिक करना है और साइज के हिसाब से आपको यहाँ पे ऐप्स दिख जाते हैं जो आपने अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कैमटेशिया। अगर मैं इसे नहीं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली इस पर सेलेक्ट करके इसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ यहाँ से ही। उसके बाद ये मेरा सॉलिड वर्क एप्लीकेशन है, इसने मेरा स्पेस ऑक्यूपाई किया है 867 MB। तो ये भी अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। इस तरह से जो जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो वो सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके उसे अनइंस्टॉल कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मेरा अनइंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो और कौन सा ऐप आप यूज़ नहीं करते हो। जो आप नहीं यूज़ करते हो उसे आप अनइंस्टॉल कर दो और आपके सी ड्राइव का स्पेस फ्री हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली आपके ऐप्स ही आपके सी ड्राइव को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों डेस्कटॉप, अदर्स, डॉक्यूमेंट, टेम्पररी फाइल ये सब भी ऑप्शन मिलता है। तो एक्चुअली आप अगर अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हो तो यहाँ पे जो आपको अपने दिस पीसी के नीचे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोस ये सब ऑप्शन मिलता है, इसमें अगर आप कोई भी फाइल स्टोर करते हो वो एक्चुअली आपके सी ड्राइव में स्टोर होता है और आपके सी ड्राइव को फुल कर रहा होता है। तो यहाँ पे सेटिंग में आप देख सकते हो कि मेरे डेस्कटॉप में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, 16.5 GB। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे व्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करके अपने फाइल और फोल्डर्स को देख सकते हो कि कौन कौन सा फाइल है जो कि आपका स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है। उसके बाद सिमिलरली आप डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो जो कि मेरा 10 GB स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस किस फोल्डर और फाइल ने मेरा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इनसे भी फाइल और फोल्डर को डिलीट करके आप अपने सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्पररी फाइल्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपका स्कैनिंग स्टार्ट हो जाता है और आपके सारी टेम्पररी फाइल यहाँ पे आपको दिख जाते हैं, आपको सेलेक्ट करना है और आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आपको शो मोर का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो और भी आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया पिक्चर, वीडियोस, जो भी मेरे दिस पीसी के अंदर में फोल्डर थे सब यहाँ पे मुझे दिख जाते हैं और कौन कौन सा फोल्डर कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो यहाँ पे मुझे दिख जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी मेक श्योर कर लेना है कि जो भी आप फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो वो आपका सी ड्राइव में स्टोर ना हो। इसके लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ क्योंकि मैं मोस्टली क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करता हूँ किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो क्रोम ब्राउज़र में मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मुझे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है तो मुझे सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ पे मुझे एडवांस में जाना है और यहाँ पे बॉटम में आपको डाउनलोड लोकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो भी आप इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हो वो कहाँ पे आपका स्टोर होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे करेंटली ये मेरा सी ड्राइव में स्टोर होगा, तो आपको इसे चेंज कर लेना है अपने सी ड्राइव से किसी और ड्राइव में। तो अब क्या होगा, मैं कोई भी फाइल डाउनलोड करूँगा तो मेरे सी ड्राइव में डाउनलोड नहीं होगा और मेरा स्पेस फुल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से विंडोज़ और आर एक साथ प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में से और यहाँ पे आपका रन कमांड ओपन हो जाता है। इस बार यहाँ पे आपको सर्च करना है क्लीन MGR, उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना सी ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिखता है आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सबको सेलेक्ट करके क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिर से सी ड्राइव पे सेलेक्टेड रखना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है।
उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क क्लीनअप इज कैलकुलेटिंग हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री ऑन सी ड्राइव, दिस मे टेक फ्यू मिनट टू कम्प्लीट। तो यहाँ पे आपको वेट करना है और ये मेरा कैलकुलेट कर रहा है कि मैं कितना स्पेस क्लीन कर सकता हूँ इसके थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबका साइज कैलकुलेट होके आ जाता है और जो भी टेम्पररी फाइल्स, थंबनेल, रिसाइकल बिन से कोई भी फाइल, तो जो जो आपको यहाँ से डिलीट करना हुआ आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ओके करके डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्लीनिंग अप सी ड्राइव, तो इस तरह से भी आप अपने सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको अपने सी ड्राइव में स्पेस क्रिएट करना है उसे क्लीन करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े हैं अभी के लिए, बाय बाय।